Com'era? Ancora mandando. Mi si è sentito. तो गाइस यहाँ पर नोवो में अपन आए थे प्रिंस भाई के साथ, डुओ स्क्वाड खेल रहे थे और भाई लैंडिंग इतनी तगड़ी हुई है ना, मतलब जहाँ पे उतरे ना वहाँ पर डीपी मिली वो बात ठीक है। आगे जाते हैं वहाँ पर एकेएम, एक नहीं दो दो एकेएम भाई, दो दो एकेएम मिल जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टार्टिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार एक कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले किस चीज़ किस टाइप की स्टार्टिंग जो है आपको पसंद आती है। फिलहाल यहाँ पर वेयरहाउस के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा चप्पलों के साउंड आ रही थी, तो देखिए एक एकेएम बंदे को दे जो रहा मैं है, रुक टपका जाओ। देता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये दूसरी टीम का था, चुरा लिया उसने, चुरा लिया। इधर ही है, अब बस देखते जाओ उसको क्या गंदा मारता है। चलो घुसो जल्दी घुसो, पीछे से बंदे आ रहे। अरे आराम से, और बंदे आ गए, बॉट है ये तो। और बंदे आ रहे कंटेनर से। तो गाइस यहाँ पर ये वाली जो टीम थी ये मैंने पूरी की पूरी और बंदे आ फिनिश रहे कर दी, लेकिन मेरे भाई आ गए। सामने से देखो एक चलो पूरी की चलो पूरी स्क्वाड आए जा रही है हमारे ऊपर रश करने के लिए। हमारे बॉट का किल जो चुरा यहाँ मत लिया गया छोड़ियो, है, मत छोड़ियो, मत लेकिन छोड़ियो, कोई मत। दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता है जो भी मेरा बॉट का किल चुराता है उसकी मैं क्या ओके हालत ओके करता हूँ आप ओके, सभी लोगों को पता है। एक तो ही बंदा बस आ अब गया। हालत उनकी वही चलो होने चलो वाली है। घुसो, दो बंदे यहाँ पर नॉक हो मैं चुके रखता हूँ हैं यार आराम में, घुसो। और भाई मेरा एडीएस यहाँ पर नहीं होता, लाइक ओ स्कोप भाई जो है पागल से, ओपन ही नहीं होता है मेरा, बट स्टिल यहाँ पर क्रॉस ईयर से अपन इसको टपका देते हैं। और भाई उसी के साथ साथ यहाँ पर सामने देखिए ओपन जो मत जाओ, दूसरी ओपन मत नहीं जाओ, ओपन मत तीसरी जाओ। टीम थी किल उनका कर एक रहा जो हूँ, बंदा है मेरा टीम मेट नॉक और फिनिश दोनों उधर कर ही है वो देता बंदा, है। उसका टीममेट ब्रोकन वॉल पे कुछ मार रहे हैं क्या। चलो तो भाई घुसो, उन बंदों को हो रही थी बहुत ज़्यादा खुजली, तो वो एक हमारे शॉट ऊपर भी फायर कर रहे थे, हम उनके ऊपर फायर कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर करना है, मैंने सोचना सोच है क्या लिया कि भाई करना है इनके ऊपर सोचना जो है। है अपने को पुश करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगेन मेरा स्कोप जो है ग्लिच हो गया। नहीं पीछे से भी बंदा आ गए, और तभी मेरे टीममेट बोलता भाई पीछे से भी बंदे मुझे आ से गए, पीछे मतलब बोल रहे भाई हैं। घुमा फिरा के हमारे आगे भी बंदे पीछे भी बंदे। अगर हम आगे जाते तो पीछे वालों को हमारे ऊपर एंगल मिल जाएगा, और पीछे जाते तो भाई मतलब लग एक जाएंगे, ही हर जगह से वन हमारे नॉट लगे पड़े। फाइव, तो हम मतलब थोड़ा सेवन पहले किया। डिसाइड करते कि जाना किधर है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये देखो सीमेंट्री दूसरा से इधर चलेंगे इन बंदों के पास, क्योंकि इनको ऑलरेडी हमने डैमेज वैमेज दिया था। इनका एक आध बंदा न, हम बंदा जो है हम खा चुके हैं, अरे तो उसने यहाँ लूट पर फाइट किया लेने मेरा, में उस हमको साइड ज़्यादा किया दिक्कत मैंने। नहीं होगी, इसलिए हम जो है इधर साइड आ जाते हैं। और बंदा भागता भाई उस देखो शैक की तरफ, और अब यहाँ पर देखो आने के बाद हमको पता चल गया कि भाई बंदा जो है वो जो ट्रू स्टोरी उसके अंदर चला गया है। मैं टीममेट को मैं बोलता हूँ भाई एडीएस दो, हाँ उधर ही पहला है, ग्रेनेड निकालता हूँ लेकिन वो जो है टाइमिंग थोड़ी मिसमैच हो गई थी, तो यहाँ पर दूसरा उधर ग्रेनेड ही है। एकदम परफेक्ट फेंकता हूँ मैं, जिससे बंदा जो है इतना गंदा डैमेज हुआ है अरे बहुत सही था नेट, डैमेज कि हुआ उसके होगा लगे वो। पड़े। वो सोचने में माहिर, मतलब मजबूर हो गए कि भाई जाऊँ तो ओके जाऊँ ज़्यादा का ओपन हो, हो गए, क्योंकि अगर वो उधर कूद जाएगा तो हमको पता चल जाएगा तो हम उधर से उसको मार सकते हैं, और ऊपर रुकेगा फिर भी हम मार सकते हैं। उसने कुछ अलग दिमाग लगाया, ओ भाई गलत ही मारा देखो यार देखो सच इसको। में। अरे ग्लिच हो गया, नहीं भागा पीछे भागा वो, और यहाँ पर अंदर हमने क्या जो मार नेड रहा है किया शायद। था वो फेल हो चुका है, क्योंकि भाई बंदा जो है स्क्वाड हाउस के हाँ इधर अंदर दिख रहा है है, ही मुझे नहीं, स्टेडियम और पे मेरे बैठा टीममेट है, मेरे को अभी भी स्टेडियम बोल पे रहा है बैठा कि है, वो बोल मिल रहा गया है कि है। भाई स्क्वाड हाउस के अंदर ही बंदा है, स्क्वाड हाउस के अंदर ही बंदा है। तो मैं क्या सोचते हुए हाँ अपन क्या चलो करते हैं ट्रिक लगा के जाते हैं। और तभी भाई आ मेरे जाओ, को जो है राइट साइड में ना ब्रोकन वॉल पे पिंक कौन सा पिंक सा ब्रोकन कुछ तो वॉल, भी दिखा था, आई एम नॉट आ जाओ श्योर कि पहले भाई वो ऊपर से बंदा अपन था आ कि जाओ। क्या था। तो भाई मैं लाइक वो चीज़ इग्नोर करता हूँ कि उधर मेरे को क्या दिखा था, ये स्क्वाड हाउस बंदे के को अंदर घुसाओ, आते हैं। और इधर ही यहाँ साइड, पर आने के बाद हमको इधर पता ही चलता है कि साइड, बंदा अंदर है ही नहीं, तो मैं ग्लिच समझ करा गया कि था। जो मुझे दिखा था राइट साइड में कॉर्नर पे ब्रोकन वॉल पे
वो कंफर्म भाई बंदा ही था, लेकिन इस बंदे ने जो हमको घुमाया है ना यार, मतलब मान गए भाई इसको। तो पहले हम यार लाइक यहाँ से चेक कर रहे थे भाई बंदा दिख जाए बंदा दिख जाए, यहाँ पर हमको बंदा दिखता नहीं नहीं है। इधर कोई तो ब्रोकन वॉल चेक करते हैं फिर भी बंदा नहीं दिखता, लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की तो आपको दिख सामने गया वाले में बंदा, होगा मेरे तो को भी आ दिखा जाएगा है। दोनों को। और यहाँ पर मैं अटक गया ब्रोकन वॉल के बीच में, तो भाई यहाँ पर जंप करते करते मेरे जो पैर भाई इस फटी हुई दीवार के अरे किधर बीच में समाता अटक तुझे गए मैं और तो, बंदे ने हमको नॉक कर दिया। लेकिन हमारे टीममेट जो है हमको बचा लिया यहाँ पर, क्योंकि अगर टीममेट ना होता तो भाई यहाँ पर नॉक फिनिश दोनों कर सकता था। इसलिए भाई बोलता हूँ कि अपना जो टीममेट है उसको अपने कोई एटलीस्ट नहीं है ग्राम बीस तीस ज्योति। मीटर साथ ही रखा करो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर मत रखा करो, वरना आपकी पेटी बनने के बाद बस आपका टीममेट लूटने के लिए आएगा। कोचिंग की मैम ये कोई लो नहीं मिला, सामने बग्गी बग्गी लेकिन बग्गी बग्गी सीधा घुस रहा स्क्वाडर्स भाई, में मिलते हैं बंदे। मारो मारो। अब भाई देखो स्क्वाडर्स में बंदे मिले तो सही थे, लेकिन उन्होंने जो दीवारें लगा के रखी थी तो हमने सोचा कि हम भी दिमाग लगाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके एक और गाड़ी आई सामने से, खड़ गए खड़ गए, अंदर आ जाओ। भाई इस बंदे को लूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरी ये एमओ देखो जो है ये ख़त्म होने को आई थी। ऊपर आ गया, इस बंदे को लूटते हैं, और इसका जो टीममेट है ना यार वो छत के ये ऊपर ऊपर है है। किधर है? हाँ ले रहा है ऊपर, और मतलब मेरे टीममेट ने वॉल जो बना उसको दी उसने। गैलरी में आ जाके जाओ इधर देख से भी वॉल लिया था बना कि दी, वो चलते कहाँ हैं। पर है, तो यहाँ पर मुझे लगा कि भाई उसने अरे इधर दीवार इधर इधर, बनाई है। बाप मैं रे मुक्को से गरीब इसको बेकार तोड़ रहा हूँ, इंसान क्योंकि है। आपको पता है मुक्को से जल्दी ऊपर टूटती है चलो एज ऊपर चलो कम्पेयर ऊपर टू चलो, गोलियाँ, तो मुक्को से तो टूटी नहीं। ऊपर ऊपर बैठा है, इसके फिर ऊपर बैठा है, बाद में इसके मैं ऊपर है, टीममेट इसके बोलता हूँ ऊपर। बंदा जो है ऊपर है, यहाँ पर नहीं है। और क्या ही गलत मारा यार इसको। अब देखो बात ऐसी थी, मेरे पास एक भी घुस ग्रेनेड नहीं गए था, आराम से। मुझे वो ये थे बंदा इस पे ग्रेनेड। आ गया इसके ठीक पास है, आता हूँ, स्क्वाडर्स उसकी पे पेटी मेरे लूटता उस पे हूँ, एक ग्रेनेड बंदा और यहाँ ऊपर से है। करता हूँ, और इस ग्रेनेड के लिए लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देखो एक नॉक दिया, वो देखो क्या आएगा ग्रेनेड उसका कहाँ टीममेट, जाकर बढ़िया टूटा, एक इतना नंबर। लंबा ग्रेनेड। आपको पता है ग्रेनेड जितना नज़दीक होता है उतना ईजी होता है, जितना लंबा होता है उतना मुश्किल होता है। तो भाई इस ग्रेनेड के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। भाग अब गया उसका जो दूसरा टीममेट है वो भागकर पीछे पत्थरों के पास चला गया था, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई मेरे को बंदों ने तो नहीं इतना पता था। तगड़ा ग्रेनेड किया है, इतना गंदा मारा है ना, नॉक और फिनिश दोनों कर दिया है। तो भाई यहाँ से निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो। किधर गया? अच्छा इधर है। गाड़ी घर घर ठोकी, तो भाई ये बंदा क्या ही, लिटरली मैं कंफ्यूज हो गया भाई कैसे मरा यार। मतलब आपने देखा मैं देखा बिल्कुल कैसे गनवन पीछे देखने छोड़ के से खड़े हो गए भाई, मरा कैसे देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको उधर सीन से। बता दो, ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा लिट था, बहुत ज़्यादा डैमेज था, और मेरे मैंने जो एडीएस अच्छा किया नहीं ऊपर था, ठीक है ऊपर ही है ना। वो बंदे, और वैसे ही मेरी जो एमओ एक क्रॉस हुई, मेरा बहुत एकदम परफेक्ट एम के ऊपर था, और उधर उसको भी मेरी नहीं होगी एक शायद दो देख एमओ के, कनेक्ट हो गए एक उधर एम रहो की, ऊपर गाड़ी तो भाई खड़ी। बंदा ख़त्म। अब यहाँ पर फाइट हो रही थी इसलिए हम यहाँ पर आए थे। नहीं किल नहीं कर रहा हूँ, चेक कर रहा था वो खिड़की, खिड़की पे ना खड़ा है। ऊपर चला गया, ऊपर भाग क्या बताओ, फिनिश करता हूँ मैं उसको। अरे ऊपर में बंदे, ऊपर में बंदे, अब भाई यहाँ पर जो है एक बंदा फिर मैं नॉक अटक करता गया। हूँ, एक बंदा मेरा टीममेट नॉक करता है, तो भाई बारी थी यहाँ पर फिर पुश एक गोली करने नहीं की, लगी उसको, क्योंकि एक भी जोन नहीं भी लगी आ उसको। चुका था। तो यहाँ पर भाई देखो मेरा मानना ये था कि हम जाके उनके ऊपर पुश नहीं करेंगे, हमें नहीं पता वहाँ पर और कितने बंदे हैं, और उनको भी फाइट, उनकी भी फाइट चल रही थी। मैं क्या बोलता हूँ मेरे टीममेट को कि जोन देख हाइट पे क्या है करूँ और इधर, बहुत नज़दीक है, एक काम कर जोन के अंदर बहुत गाड़ी ले, मुश्किल मैं है मेरा काम। दिमाग लगाता हूँ क्या करना है। जोन के अंदर मैं टीममेट गाड़ी रोकता है, और मैं आते यहाँ पर एक दीवार बनाता हूँ ताकि हमको कवर रहे, जिससे बंदे जोन सही के है अंदर दोनों। आने की लो कोशिश एक बंदे करें किधर से, हम उनको मार सके। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग हो जाता है, अच्छा मैं ऊपर ही जैसे कि बंदे आपको हैं, बोलता हूँ कि जैसे आप सोचते वैसा हर बार नहीं इधर होता है, नीचे भी कभी कभी बंदे होता है होंगे। सिर्फ। तो वही सीन होता है कि भाई पहाड़ के ऊपर हेलो से हमको पड़ती है, और राइट साइड में जो बंदे वो रिवाइव हो चुके थे, तो मैं अकेले जाता हूँ उनको मारने के लिए। एक नॉक करता हूँ और दोनों को भी बंदे, फिनिश कर देता हूँ, मतलब घुमा फिरा के तीनों का यहाँ पर अपन फिनिश कर देते, और बचे सिर्फ और अच्छा सिर्फ कौन दो है इधर बंदे, बस कुछ। मतलब डुबो भी डुबो बचे, और ऊपर वाले के पास कार 98 है, मुझे नीचे कार 98 मिल जाती है। यहाँ पर आ मैंने गई इसको एक इधर हेड से, कनेक्ट किया जिससे इसको कुछ नहीं हुआ, ये पीछे जाता इधर है से हीलिंग लेके आ करके रहा हूँ वापस आ गाड़ी। जाता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बात एक अरे ये पंचर है कर दी ना इन्होंने मेरा कि गाड़ी, दोनों टीममेट ये ऊपर नहीं है, इनकी सबसे बड़ी गलती, इनका इनका जो एक टीममेट है नहीं वो है दो टायर, नीचे दोनों टायर पेड़ के पंचर हैं पास, ठीक इसके। है। बस देखते जाओ इसका क्या हाल करता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, वो जो दूसरा टीममेट है वो है भाई पेड़ के पास, एकदम आगे वाला जो पेड़ है ना वहाँ पर उसका दूसरा टीममेट बोलो है, बोलो तो उसके इधर में पास मैं जाना है नेड तेरे करता को, हूँ। बहुत सही इधर नेड मैं हुआ, वॉल भी बना लेकिन देता पेड़ हूँ। की उस बार नहीं हुआ वो। किधर है मिनी वाला ये?
तो भाई इसको फटका देता हूँ और बंदा यहाँ पर ख़त्म नॉक हो जाता है। और उसने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि आप देख सकते हो उसका टीममेट बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, तो वो खुद ब खुद ओपन आ जाता है क्योंकि उसको पता है भाई अब तो ख़त्म है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बचने की। तो उसको हम नॉक फिनिश कर देते हैं। बचा भाई इसका टीममेट, उसको तो बड़ा गंदा मारा यार। यहाँ पर मैं मस्त हीलिंग वीलिंग कर रहा था और वो मुंडी निकालता है मारने के लिए। कार 98 वर्सेस कार 98, देखते भाई कौन जीतता है। खत्म। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और मेरे भाई आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं पबजी के फनी वीडियोज डेली। तो फटाक से जाओ और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।